नमस्कार, हर्बल पॉइंट बेगूसराय की ओर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। बंधु, मैं आपके अंग प्रत्यंग की संरचना, उसके होने वाली विसंगतियां, बीमारियां और उसको दूर करने का जो अति सामान्य उपाय है, इस पर ही चर्चा करता रहता। आज का विषय, मैं सीधा आ जाता हूं और अपने विषय पर, और यह इस तरह का अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, और पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बगल के आइकॉन की घंटी को दबा दें। आज हम आ रहे हैं अपने मांसपेशियों पर। हमारी जो मांसपेशियां हैं वो देखिए, शरीर में जो विभिन्न आंतरिक अंगों के अलावा जो हमारा ढांचा खड़ा है शरीर का, उसमें अस्थि, मांसपेशियों, त्वचा, नस और नाड़ियों आदि का बहुत पूर्ण स्थान है। आज हम मांसपेशियां और उसमें होने वाली समस्याओं पर बातचीत करने जा रहे हैं। हमारी मांसपेशियां, जिसके आधार पर हम अपने समस्त गतिविधियों को संचालित करते हैं, जैसे खड़ा होना, बैठना, मुड़ना आदि, जो इस तरह की जो क्रियाएं हैं वो सब संचालित करते हैं। इसके प्रति सतर्क हम रहते नहीं हैं, जिसके कारण हमारे मांसपेशियों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। उसका कारण क्या है? खान पान की ओर नियमितता। देखिए, युवा अवस्था में तो हम लोग खाने पीने पर कभी ध्यान ही नहीं देते। कब खाते हैं, क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, कोई मतलब नहीं। फास्ट फूड खा रहे हैं, वो बाजारू चीज पैक्ड फूड खा रहे हैं, देर तक जग रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, जिसके कारण अब बहुत सारी ऐसी बातें जिसके कारण नींद भी नहीं हो पा रहा। कुछ बूढ़े लोगों को तो हम लोग देखते हैं कि वो मॉर्निंग वॉक पर निकलते हैं, कुछ एक्सरसाइज भी करना है, करने की चेष्टा करते हैं, कुछ व्यायाम प्राणायाम ये सब करते हैं। लेकिन इसके प्रति जब तक युवाओं में कुछ ताकत रहता है तब तक वो सतर्क नहीं रहते। कभी कभी हमारी मांसपेशियां कड़ी हो जाती, अकड़ जाते और इसमें लचीलापन कम हो जाता। दर्द, ऐंठन, बेचैनी से हम पीड़ित रहते हैं। अनेक रोगों के कारण भी ऐसी समस्या आ सकती है, लेकिन मैं तो समझता हूं कि हमारी जो जीवनचर्या है यही इसका मुख्य कारण होता। क्या होता है कि हम लोग जीवन यापन एनी हाउ करते हैं, सही ढंग से न खाते हैं, न सही ढंग से पानी पीते हैं, न सही ढंग से हम सांस कर लेते हैं, न सही ढंग से अपने शरीर का इस्तेमाल कर पाते हैं। मांसपेशियों के संचालन में हमारे शरीर में दो तत्व जो है, खास करके मैग्नीशियम और कैल्शियम, इसकी बड़ी अहमियत है। इसका जो संतुलन है हमारे शरीर में, यह बहुत आवश्यक है। कैल्शियम के बारे में हम जानते हैं, यह हमारे अस्थियों के लिए को भी मजबूत बनाने के लिए बहुत जरूरत है, लेकिन मांसपेशियों के संचालन, मुड़ने या संकुचन, फैलने और सिकुड़ने में हमारी सहायता करता। तो मैग्नीशियम क्या करता है? इसके अभाव में हमारी मांसपेशियां अकड़ जाती है, जकड़ सकती है, और इसकी जो इनके जो है, खास करके कैल्शियम मैग्नीशियम के, इनके अनुपातिक मात्रा में गड़बड़ी के कारण इसमें आप बहुत सारी समस्याएं खौसाती है। जल भी की समुचित मात्रा, हमारे शरीर में जो जल की समुचित मात्रा, उसमें अगर गड़बड़ हो गया तो इसका सब उसके भी संबंध हमारे मांसपेशियों से है। मांसपेशियां क्या करती है, हमारे शरीर के अंदर जो जल है वो विभिन्न आयनों में टूटती है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, और उसके कारण वो हमारे नर्वस सिस्टम के माध्यम से हमारे मस्तिष्क को सारी सूचनाएं पहुंचाता है और हम तो एकदम निष्क्रिय रहते हैं। कार्यालय में बैठ के काम करना, घर में आराम करना, या किसी ऐसे जगह पर बैठे रहना या खड़े रहना, ये सब अकड़न का एक बड़ा कारण बनता है। हमारे तो कई ऐसे मरीज हैं जो जब सो के उठते हैं तो चल नहीं पाते हैं, लेकिन कुछ देर चलने फिरने के बाद फिर ठीक हो जाते हैं। क्या कारण हो सकता है? सोते हैं कुछ लोग तो सोने में करवट तक नहीं बदलते, तो वैसी स्थिति में आपके निष्क्रियता का प्रभाव हमारी मांसपेशियों पर तो पड़ेगा ही, और अकड़न जकड़न की समस्या हो सकती है।
देखिए इसके बहुत सारे घरेलू उपाय भी हो सकते हैं। पहला उपाय तो यह है कि जब दर्द हो तो थोड़ा सा आप आराम कीजिए, कारण को ढूंढिएगा आपको क्यों हो रहा है, आप उस कारण को ढूंढिए। और बहुत ज्यादा अगर किसी खास स्थान पर दर्द हो तो आइस पैक से उसको सेकिया, आइस से गर्म जल से आप आसान स्नान भी कर सकते हैं। और गर्म जल से स्नान करते समय अगर दो चार चम्मच बेकिंग सोडा उस पानी में डाल दें तो आपके जो इस तरह से सूजन है, अकड़न है या दर्द है ये कम हो सकता। अपने शरीर का मसाज थेरेपी एक अपने आप में एक थेरेपी है, मसाज के द्वारा बड़े बड़े रोगों का इलाज किया जा सकता है। तो फिर ये मांस पेशियों में दर्द का इलाज तो होना ही होना है, तो आप मसाज कीजिए। मसाज के लिए आप विभिन्न तेलों का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें लहसुन डाल के सरसों का तेल डाल सकते हैं, आप अदरक डाल सकते हैं और सारे बहुत सारे चीज है और उसको आप कीजिए। अब देखिए सेव का और क्या क्या कीजिए, सेव का प्रयोग शुरू कीजिए। सेव आपके इस तरह का जो पूरी तरह मांसपेशियों को मजबूत करता है, और अदरक का आप बात समझ में अद्भुत गुण वाला अदरक की चाय पीजिए, अदरक का और भी दूसरे जगह प्रयोग कीजिए, हल्दी का प्रयोग कीजिए, हल्दी वाली दूध का प्रयोग कीजिए, तरबूज का सेवन कीजिए। ये हल्दी और अदरक खा के तो अभी लोग सभी देश के लोगों ने इस कोरोना को भगा दिया। देखिए दालचीनी भी इसमें बहुत ज्यादा उपयोगी है। पाइन एप्पल का गुण जानते हैं, यह प्रोटीन को अवशोषित करके सूजन को कम कर सकता है। तो इन सारी चीजों का प्रयोग कीजिए। और आप अपने आसपास के जो वो चिकित्सक हैं, जो हर्बल के चिकित्सक हैं, जो आयुर्वेद के चिकित्सक हैं, उनसे मिलिए, आपके ये मांसपेशियों का दर्द निश्चित रूप से आराम होगा। देखिए तनाव इसमें बहुत बड़ा कारण हो सकता है। जब मनुष्य तनाव में हो ऐसी स्थिति में शरीर में दर्द होना बहुत जरूरी क्या ऐसा हो जाता। मांसपेशियों में भी टूट फूट चोट के कारण दर्द होता है, आपके कड़ापन आ जाता है। हम अपने आप को वार्म अप नहीं करते हैं, हम लोग अपने आप को वार्म अप करते रहे तो भी आपका ये तनाव घट सकता है। मांसपेशियों का भी तनाव घट सकता है। बहुत सारे कारण अन्य भी हो सकते हैं। देखिए अर्थराइटिस के कारण भी हमारे शरीर में दर्द होता ही है। जब ज्वाइंट में पेन होगा तो आगे मांस में होगा, चिंता इसका एक विषय है। अर्थराइटिस में यूरिक एसिड बढ़ जाता है। आप देखिए आप चोट मोच इसके कारण भी शरीर फूलता है। और देखिए जब ज्यादा आप शारीरिक श्रम करेंगे तो भी आपके मांसपेशियों में दर्द होगा। ऑटो इम्यून रोग बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसके कारण शरीर में सूजन हो जाती है और इसके कारण भी मांसपेशियों में मारा होगा। दवाइयों का साइड इफेक्ट, खास करके बीपी की दवाइयों का जो साइड इफेक्ट होता है उससे शरीर के विभिन्न अंगों में दर्द होता है। आपके नसों में जब ब्लड सर्कुलेशन हृदय तक सही ढंग से नहीं पहुंचता है तो उस नर्वस सिस्टम के कारण हमारे शरीर के विभिन्न खास के घुटने के नीचे दर्द होने लगता है। पोषक तत्वों की कमी, हमने कहा कि आहार हम सही ढंग से नहीं लेते, हम उसमें प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट और उसके टोटल का ये जो कैलोरीज है या अन्य जो मिनरल्स हैं जो आपके ये वो सारे चीजों पर हम बहुत सारे फाइबर्स पर बैलेंस नहीं बनाते हैं जिसके कारण हमारा वजन अधिक बढ़ जाता है। वजन अधिक बढ़ेगा और हम जब लोड ज्यादा देंगे तो होगा कम नींद, तो इसका कारण होता है। इस पर चर्चा मैंने बहुत बार किया। कभी कभी ये जो मांसपेशियों में दर्द होता है ठंडे के कारण, कहीं आर्द्र वातावरण में रहते हो या बहुत ठंडक हो, टेम्परेचर गिर गया हो, उससे भी होता। तो इससे होगा क्या, इससे होगा कि हिलने डुलने में समस्या होगी, दर्द होगा, थकान महसूस होगा, किसी खास भाग में भी दर्द हो सकता है, मांसपेशियों में गांठ हो जाएगी, खिंचाव होगा। तब इसका बचाव के लिए हम लोग संतुलित आहार का सेवन करें। हमने एक आरोग्य आहार का लिंक हमने डाला है जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दें। एक बार और देखिए, बार बार मैं कहता हूं कि हमारे आरोग्य आहार को देखिए और उससे देखिए आपका कितना रोग होता है। आप बराबर अपने को व्यायाम में लगाइए, ध्यान कीजिए, योग कीजिए, प्राणायाम कीजिए, मालिश का बहुत बड़ा महत्व है। मांसपेशियों के दर्द में मालिश का बहुत बड़ा महत्व है। शरीर के मसाज करने से हमारे जो नर्वस सिस्टम में रक्त का संचार बढ़ जाता है। देखिए बैठने खड़ा होने और सोने का ढंग भी किसी का सही नहीं होता। कोई कुर्सी पर ऐसा बैठता है जो कमर में दर्द हो जाता है, कोई तकिया इतना मोटा लेके बैठता है तो गर्दन में दर्द हो जाता है,
खड़ा होने का तरीका नहीं है, वो ठीक ठाक रहता है। और नींद तो एक बड़ी समस्या है जो बहुत आसान भी है, गंभीर भी है, तो आप इसके प्रति सतर्क नहीं होते। ये सारे कारण जो है वो हमारे मांसपेशियों में दर्द पैदा करता है, और जब दर्द पैदा करता है तो हम तरह तरह के रोग का नाम ले लेके उसको अलग अलग ढंग से अपने मरीजों को बताते रहते हैं कि फलाना हो गया, चिलाना हो गया। लेकिन सबका कारण है आप खुद। आप खुद अगर सतर्क रहिएगा तो मांसपेशियों में कोई दर्द नहीं होगा।